M+. तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैंने फर्स्ट लेसन में आपको ये सिखाया था कि कोई भी सॉन्ग हो उसकी हम वोकल कैसे निकालें, वो भी हाई क्वालिटी में, और उसकी एफएक्स स्टूडियो मोबाइल में मास्टरिंग कैसे करें। तो आज ये हमारा दूसरा लेसन है। तो आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी सॉन्ग हो उसका कोड कैसे निकालें और उसको एक चिल आउट मिस की पैटर्न की तरह कैसे हम बनाएं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग ले लिया है और उसकी वोकल पहले से ही मैंने निकाल ली है और उसका बीपीएम मैंने 100 रखा है। अब मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और डायरेक्ट वे में जाकर कीबोर्ड में जाकर एक ग्रैंड पियानो ले लूँगा। तो ये मैंने ले लिया। अब ग्रैंड पियानो लेने के बाद हम ग्रैंड पियानो की मास्टरिंग करते हैं, थोड़ी सी रिवर्ब ले लेते हैं। हाँ, तो हमने अब रिवर्ब ले ली है। अब हम सॉन्ग को सुनेंगे। तो सॉन्ग को सुनने के बाद हम इस सॉन्ग को कीबोर्ड पर बजाएंगे। हाँ, तो सॉन्ग को पियानो पर बजाने के बाद हमारा पहला कोड आता है ये, दूसरा कोड आता है तीसरा, और जो चौथा होगा वो दूसरे की तरह ही होगा। ओके, तो अब हम इस कोड को पियानो रोल पर अरेंज करेंगे। तो हम क्लिप खोलते हैं, यहाँ खुल गई। तो हमारा पहला कोड आएगा ये, ला ला ला। दूसरा होगा ला ला ला। तीसरा होगा ला ला ला। और जो हमारा चौथा होगा वो दूसरे की तरह ही सेम टू सेम होगा। ओके, और उसको हम कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं उसी लाइन में। ओके, तो हमारा ये कोड हो गया पूरा का पूरा। अब हम उसको बजाते हैं। आपको ये आवाज़ सुनने में थोड़ी बहुत बेस वाली लगती होगी। तो अब हम उसको एक ग्राफिक इक्यू लेकर उसका थोड़ा सा बेस हल्का कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारी थोड़ी आवाज़ पतली हो जाएगी तो हमको सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पियानो लेने के बाद अब हम स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग लेने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वे में जाइए और ऑर्केस्ट्रल में जाइए और स्ट्रिंग एसएमएल 2 ले लीजिए। तो अब हम मास्टरिंग में उसके जाएंगे तो हम थोड़ा उसका रिलीज भी चेक करेंगे कितना वो पीछे से लंबा होता है, कितना उसका वो रिलीज होता है पीछे से जब उसकी की दबाते हैं तब। तो अब उसको चेक करेंगे। तो देखिए, ऐसे में कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हम थोड़ी सी रिवर्ब भी ले लेंगे जिससे आवाज थोड़ी सी सो राउंड हो जाए। अब हम पियानो रोल पर जाएंगे। तो आ गए पियानो रोल पर। अब हम उसके सब कॉर्ड होगा उसके सब कॉर्ड की को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम स्ट्रिंग के क्लिप बनाकर, एक क्लिप बना रहा हूँ उसका क्लिप बनाकर अब उसकी जहाँ आवाज हमको अच्छी लगे वहीं पे हम पेस्ट करेंगे। तो हाँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। हाँ, तो अब वो रेडी हो चुका है। अब हम सुनेंगे। तो मैंने सॉन्ग को जहाँ उसकी बीट आती है वहीं पे ही उसको सेट किया हुआ है। अब हम सुनेंगे। तो इसमें हमारी स्ट्रिंग की आवाज़ थोड़ी
गहरी लगती है तो हम उसको थोड़ी ऊपर की ओर ले चलते हैं। ओके C7 पे तो हमने ले लिया है। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम एक चिल आउट मिक्स जैसा पैटर्न बनाते हैं। तो ड्रम सीक्वेंस में जाकर अब हम एक एम्प्टी ले लेते हैं, उसमें लोड सैंपल में अपना कोई भी सैंपल ले लेते हैं। तो मैंने लिया है चिल आउट मिक्स जाकर, हाँ मैंने लिया है एक स्नैप ले लेता हूँ। तो मैंने एक स्नैप ले लिया है, हाँ तो एक हेड ले लेता हूँ FL808CH। हाँ तो ये ले रही ले लिया। तो अब एक किक ले लेता हूँ, किक में जाकर FL GRV Kick 24। ओके अब हम ड्रम चैनल को सोलो कर लेते हैं। अब उसको एक बार तक का एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमको बजाने में आसानी रहे। ओके तो हमने ये कर दिया। हाँ ऐसा करने के बाद अब हम उसको एक चिल आउट मिक्स पैटर्न की तरह अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किक लगाई और एक यहाँ पे एक, पर देखिए यहाँ पे मेरी किक थोड़ी सी अच्छी नहीं मैच हो रही है बीट की बीट तरह। तो हमें अब इसको रिकॉर्ड का बटन हमें ऑन करना होगा। उसको ऑन करने के बाद हम सिंपली ऐसे ऐसी तरह हम बजा लेंगे कुछ भी तरह। अब उसको बजाने के बाद एक नीचे एक नया चैनल आ जाएगा। तो आ गया है नीचे एक नया चैनल। अब हम जो हमारा पहला चैनल था वो ड्रम का, उसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल था नीचे वाला, अब उसको अंदर जो भी सैंपल है हमने बजाया जैसे भी तरह, उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके तो ऐसा करने से हम कोई भी सैंपल किसी भी लाइन के ऊपर या लाइन के अंदर अरेंज कर सकते हैं। ओके तो अब मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ, पर मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट किया हुआ है। हाँ तो हमारा पैटर्न अब बन चुका है। अब हम हमारे पैटर्न को जहाँ सॉन्ग की बीट आती है पहली बीट, वहीं पर हम उसको सेट कर देते हैं। हाँ तो सॉन्ग इज रेडी।